हिंदी सिनेमा की अभिनेत्री इलियाना डीक्रूज की गिनती उन अभिनेत्रियों में से होती है जो अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखने में यकीन करते हैं। इलियाना डीक्रूज पिछले कुछ दिनों से अपनी शादी की खबरों को लेकर काफी सुर्खियों में है। पिछले साल क्रिसमस पर इलियाना ने अपनी एक तस्वीर शेयर की थी और कैप्शन में हबी लिखा था, जिसके बाद इलियाना के फैंस ये जानना चाहते हैं कि क्या उन्होंने शादी कर ली है। उसी का जवाब हमें लगता है कि अब मिल गया है। इलियाना और अजय ने अपने आने वाली फिल्म रेड का ट्रेलर रिलीज किया है। दोनों ट्रेलर लॉन्च प्रोग्राम में पहुंचे थे। इस प्रोग्राम में अजय ने ही उनसे पूछ लिया कि क्या उन्होंने शादी कर ली है, तो इस पर इलियाना ने कहा, सही बताऊं तो मुझे नहीं पता कि मैं इस पर क्या कमेंट करूं। मैं प्रोफेशनली और पर्सनली अच्छा काम कर रही हूं। मैं अपनी पर्सनल लाइफ हमेशा ही छिपा कर रखती हूं और इस बारे में मैं और कमेंट नहीं करना चाहती। दोनों की ये फिल्म रेड के बारे में बात करें तो ये फिल्म 16 मार्च को रिलीज होने वाली है। इसमें अजय देवगन इनकम टैक्स ऑफिसर का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म अजय देवगन के साथ इलियाना डीक्रूज भी हैं। ट्रेलर में आपको अजय का इंटेंस लुक भाएगा। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।